दोस्तों साल 1983 में कुछ एक्सपीडिशन टीम अरब सागर के गहराइयों में एक ऐसी चीज की खोज में निकले थे जो कि हिंदू आस्था के अनुसार आज से हजारों साल पहले समुद्र के गहराइयों में हमेशा हमेशा के लिए समा गया था। खोज के दौरान जो कुछ भी मिला उसने सबके होश उड़ा दिए। एक विशाल नगरी, देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई ऑयल प्लेन सिटी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल, बर्तन, सब कुछ समुद्र के गहराइयों में हजारों सालों से मौजूद था। समुद्र के अंदर ऐसी विशाल नगरी को देखकर सारे एक्सपीडिशन टीम हैरान हो गई। पत्थरों के लेकर जब उनकी कार्बन डेटिंग किया गया तब पता चला कि ये पत्थर आज से करीब 3000 साल पुराना महाभारत के समय का है और ये वो लॉस्ट सिटी था जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये सिटी थी श्री कृष्ण जी की नगरी कहे जाने वाली द्वारका की। भारत के गुजरात राज्य के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सागर के तट पर बसा हुआ एक छोटा सा सिटी है द्वारका। भगवान विष्णु जी की चार धामों में से एक एवं हिंदुओं के प्रमुख पवित्र स्थानों में से एक है और तीर्थ यात्रा के लिए सात पवित्र स्थानों में से एक है, जहां पूरे भारत से लोग सिर्फ भगवान कृष्ण जी की एक झलक देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। दोस्तों भारत के सात पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक द्वारका न केवल धार्मिक रूप से बल्कि पुरातात्विक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण है। द्वारका को द्वारकाधीश के नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब है किंग ऑफ द्वारका, माने द्वारका का राजा। हालांकि द्वारका के पुरातात्विक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहस्य से डूबी हुई है। इस शहर का सबसे प्राथमिक अवतार जिसे महाभारत में कृष्ण की प्राचीन साम्राज्य के रूप में जाना जाता है एक ऐसा शहर था जो कि लगभग 84 किलोमीटर में फैला हुआ था, जहां गोमती नदी और सागर मिलते थे। भगवत पुराण के अनुसार कृष्ण ने जब मथुरा को छोड़ा और कहीं और जाकर बसने का सोचा तब उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी बनाने का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव के आज्ञा के बिना ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने समुद्र देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना की और उनके आराधना से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने समुद्र के अंदर 12 योजन जमीन उनको प्रदान किया और इसी जमीन पर भगवान विश्वकर्मा ने श्री कृष्ण के आदेश पर द्वारका का निर्माण किया। पौराणिक कहानी के अनुसार जब एक दिन श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे तब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके ऊपर जहरीला तीर चला दिया जो कि सीधे उनके पैर में जाकर लगा, जिससे श्री कृष्ण जी की मौत हो गई। जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई तो ये प्राचीन शहर मिनटों के अंदर अरब सागर के नीचे डूब गया और ऐसा हुआ था श्री कृष्ण जी को मिले एक सांप की वजह से, वो सांप जो कि माता गंधारी ने कृष्ण जी को दिया था। दोस्तों इतिहासकार और पुरातत्वविद कृष्ण के राजासी राज्य द्वारका के खोए हुए शहर के अस्तित्व को साबित करने वाले सबूतों को खोजने में लगे हुए हैं। आज के समय में द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा हुआ एक द्वीप है जहाँ श्री कृष्ण जी रहा करते थे। कई सालों तक साइंटिस्ट और हिस्टोरियन के द्वारा इसे जस्ट एक कहानी भर माना गया और बोला गया कि कोई भी ऐसा सिटी मौजूद नहीं है। काफी ढूंढने के बाद भी आर्कियोलॉजिस्ट को श्री कृष्ण जी के इस नगरी के असलियत में होने का कोई सबूत नहीं मिला। आगे जाकर 1930 में कई सारे खोज हुए जिसमें द्वारका नगरी के असलियत में होने का कई सारे सबूत मिले। बेट द्वारका जो कि एक आइलैंड था, वो आज के द्वारका जो कि गुजरात राज्य के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक छोटा सा सिटी है, उससे करीब 30 किलोमीटर उत्तर में ये आइलैंड मौजूद था। इसके बाद 1960 में और कई सारे एक्सकेवेशन चलाए गए जिसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। बाद में 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ और एक्सकेवेशन को चालू किया जिसमें कामयाबी मिली और बहुत सारे बर्तन मिले जिनकी जाँच करने के बाद पता चला कि ये सेकेंड मिलीनियम BC के थे। इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच इंडिया के जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने कई सारे अंडरवाटर सर्वे किए और समुद्र के अंदर कई दिनों तक ढूंढने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को समुद्र के अंदर कई सारे बिल्डिंग्स, रोड्स, स्टोन ब्लॉक्स, पिलर्स, इरिगेशन सिस्टम, वॉल्स और 500 से भी ज़्यादा एंटिक्स मिले इस साइट से, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई एंशेंट सिविलाइजेशन हजारों साल पहले यहाँ पर मौजूद हुआ करता था। लेकिन फंड की कमी की वजह से इस एक्सकेवेशन को रोक दिया गया, लेकिन फिर 2007 में फिर से इस अंडरवाटर एक्सकेवेशन को शुरू किया गया और ये आज के दिन तक जारी है। और आज के दिन इस एक्सकेवेशन को द्वारकाधीश टेम्पल के पास किया जा रहा है। ये टेम्पल को 13 से 15 सेंचुरी BCE के दौरान बनाया गया था।
कुछ थ्योरी के मुताबिक खोए हुए शहर द्वारका को आज से करीब 3500 साल पहले बनाया गया था, लेकिन सी लेवल बढ़ने की वजह से ये पूरा का पूरा शहर डूब गया था। सी लेवल बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। साइंटिस्टों का मानना है कि इस एरिया का सी लेवल कई बार अप डाउन हुआ था पास्ट में आज के सी लेवल तक आने से पहले, जो कि है 1000 CE। ये बदलता सी लेवल कारण हो सकता है द्वारका के डूबने के पीछे। और ये सिटी समुद्र के बीच एक आइलैंड में बसा हुआ था, तो इसीलिए ये पानी के नीचे चला गया। एक्सकेवेशन के दौरान यहाँ पर कई सारे एंकर यानी कि लंगर मिले, जिससे ये पता चलता है कि द्वारका अपने टाइम का ऐतिहासिक बंदरगाह हुआ करता था, जहाँ से इंडिया और अरब कंट्रीज के बीच ट्रेड हुआ करता था 15th century से 18th century के बीच। साथ ही यहाँ पर बड़े बड़े जहाज की पार्किंग की व्यवस्था भी होती थी। द्वारका, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है संस्कृत में पोर्टल या फिर डोर। इससे ये पता चलता है कि द्वारका एक एंशिएंट पोर्ट सिटी हुआ करता था, जिसे फॉरेन ट्रेडर्स एक्सेस पॉइंट की तरह यूज करते थे भारत के अंदर आने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही कॉन्टेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया कंटेंट आने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।